दोस्तों, कनेर एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आप अपने गार्डन में कनेर लगाना चाहते हैं तो इस समय इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, जो कनेर का पौधा है, देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये अगर आप अपने गार्डन में आप एक बार ले आए तो ये हमेशा परमानेंट आपके गार्डन में फ्लावरिंग होते रहेगी। केवल जो गर्मियाँ होती हैं, जिस समय गर्मी ज़्यादा पड़ती है और ठंड ज़्यादा पड़ती है, उस समय इसमें फूल नहीं खिलेंगे, लेकिन इसमें हमेशा फूल खिलते हैं। ये मेरे पास दो तीन वैरायटी हैं। एक देखिए, ये पिंक, डार्क पिंक में है। ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। देखिए कितनी बंच में फ्लावरिंग आ रही है इसमें। इसमें एक पौधा और है, देखिए, ये कनेर का येलो कलर का होता है इसमें। ये बहुत हार्डी प्लांट होता है, इसमें कोई ज़्यादा खाद आद की जरूरत नहीं होती है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप कनेर का पौधा अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगा जिससे कि आप कनेर का पौधा आसानी से घर में उगा सकते हैं। क्योंकि जो कनेर का जो पौधा होता है, अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे नर्सरी से, तो आपको 150 से 200 रुपये का पौधा मिलेगा अगर बड़े पॉट में लगाए। और अगर छोटे पॉट में लगाए तो कम से कम आपको मिलेगा 50 रुपये का। तो आज मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा जिससे कि कनेर का पौधा आप घर में आसानी से फ्री में उगा सकते हैं। तो उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, कनेर का पौधा अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं तो उसको अभी जो रिपोर्ट करेंगे आप, और अगर नर्सरी से ला रहे हैं तो 6-7 दिन बाद रिपोर्ट करिए, क्योंकि अगर तुरंत रिपोर्ट करेंगे तो पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो रिपोर्ट कर देंगे तो आप उसको कम से कम जो है 12 इंच का गमला होना चाहिए। ये देखिए, जो मैंने ये पौधा लगा रखा है, ये 12 इंच के गमले में है, 12 से 14 इंच के गमले में लगाइए। अगर आप जमीन में लगाते हैं तो उसको ज़्यादा देख रेख की जरूरत नहीं है। अगर गमले में लगाते हैं आप तो उसमें जो देख रेख करनी पड़ती है, मैं उसकी भी जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले जो मैं बताता हूँ आपको, कनेर का पौधा जो लगाते हैं कटिंग से, वो कैसे लगाया जाता है। मैंने कटिंग लगाई थी, ये देखिए, मैं आपको कटिंग दिखाता हूँ। ये कटिंग की अपडेट है। ये मैंने 10-15 दिन हो, 10 से 12 दिन हो गए शायद इनको, तो मैंने देखिए कटिंग करके लगाया था। ये देखिए, इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। शुरू में क्या होता है, जब कनेर का पौधा आप कटिंग से लगाएंगे तो उसमें जो पत्ते पहले आते हैं, जड़ जो है बाद में बनती है, रूट्स इसकी बाद में बनती है। तो आप कनेर का पौधा जब लगाते हैं उसको कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद, जब उसमें रूट बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ये जब पत्तियां जब बड़ी हो जाएंगी, 2-3 जगहों से ब्रांचेस निकल जाएंगी, उसके बाद ही इसको रिपोर्ट करेंगे। क्योंकि इसमें जो होता है, जड़ें हिलने का डर रहता है। अभी इसको 10-15 दिन हो रहे हैं, इसलिए इसमें आपको दिखा नहीं रहा हूँ इसमें जड़ें कितनी बनी है, अभी बननी स्टार्ट हो रही होंगी। तो इसको मैं लगाने का तरीका बताता हूँ आपको, क्या करना है आपने। सबसे पहले देखिए, जो कनेर का पौधा आप कहीं रोड साइड में दिखेगा आपको, या कहीं से आप कटिंग ला रहे हैं, तो ये जो ब्रांच होती है, देखिए थोड़ी सी हार्ड, थोड़ी सी मिच्योर जो ब्रांच होती है, ज़्यादा हार्ड ब्रांच नहीं लेनी है आपने, थोड़ी मिच्योर। एक तो ये जैसे दिख रही होगी आपको, ये ब्राउन कलर की, ये ज़्यादा नहीं लेनी है, थोड़ा सा ब्लैक कलर की जो हो जाती है उसकी कटिंग लगानी है आपने। और नोड एरिया से 2 इंच नीचे आप कट करके इसको किसी किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा दीजिए। ये आजकल जो मौसम है, मॉइस्चर बने रहता है जो पौधे के लिए, ग्रोथ के लिए होता है, तो आप इसको इसमें कैसी भी मिट्टी में लगाएंगे ये ग्रोथ कर लेगा आसानी से। तो आप इसकी कटिंग इस प्रकार से लगा सकते हैं। और कनेर का पौधा अगर आप 14 इंच के गमले में लगा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें ध्यान ये रखना है कि उसकी जो मिट्टी है बिल्कुल पोरस बननी चाहिए। अगर मिट्टी पोरस नहीं हुई, ये देखिए जैसे मैंने मिट्टी जो इसमें बना रखी, इसकी मैं गुड़ाई करते रहता हूँ 10-15 दिन में। तो इस प्रकार से आप गुड़ाई करते रहेंगे इसकी 10-15 दिन में, और इसकी जो मिट्टी है, मिट्टी बिल्कुल पोरस होनी चाहिए जिसमें पानी रुके ना, क्योंकि पानी रुकना ही जो पौधे की जो फूल वूल कम आते हैं, किसी के कोई बोलता है हमारे फूल नहीं आ रहे कनेर के पौधे में, तो एक कारण ये रहता है कि उसमें पानी रुकता है और मिट्टी बहुत हार्ड हो गई है। मिट्टी हार्ड होगी तो उसकी वजह से भी इसमें जड़ों को फैलने का जगह नहीं मिलेगी, इसलिए ग्रोथ नहीं कर पाता है पौधा और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी नहीं होती है। तो आप मिट्टी उसमें पोरस बनाइए, और जो उसमें गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट जो आप देते हैं वो उसमें 10-15 दिन में आप देते रहेंगे, क्योंकि अगर 10-15 दिन में नहीं दिया तो इसकी जो इसमें ग्रोथ होती है वो नहीं ले पाएंगे आप। और इसमें DAP फर्टिलाइजर भी आप 8-10 दिन में 2-4 दाने, अगर 12 इंच का पॉट है, 4 दाने कम से कम DAP फर्टिलाइजर हर 10-15 दिन में गोबर की खाद के साथ। खाली DAP फर्टिलाइजर देंगे तो उससे भी आपकी जो है मिट्टी खराब हो जाएगी और पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो इस प्रकार की मिट्टी में लगाइए, और पौधे को पूरे दिन की धूप में रखिए।
ये पौधा जो होता है अगर पूरे दिन की धूप में रहेगा, क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट कहते हैं इसको, गर्मियों में ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। जैसे जैसे सर्दी आती रहेगी ये डोरमेंसी पीरियड में जाएगा, उसके बाद इसमें फ्लावरिंग कम हो जाएगी, और फिर जैसे ही बसंत ऋतु आती है उसके बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसको जो है, गर्मियों का प्लांट है, इसमें पानी की मात्रा भी उचित रखिए, पानी कम भी नहीं होना चाहिए और पानी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और इसको कोई भी पॉट में 12 इंच के पॉट में लगाइए, और ज़मीन में लगा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत नहीं है, और पॉट में लगाएंगे तो उसमें हर 10-15 दिन में खाद दीजिए, तो आपका कनेर का पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। ये देखिए जैसे इसमें ब्रांचेज आते रहती है, एक चीज़ और देखनी है आपने, जब इसमें ब्रांचेज नई नई आते रहती है, या आपकी एक ब्रांच है, जैसे एक ही ब्रांच आई है ऊपर को, तो आपने क्या करना है, उसमें प्रूनिंग कर देनी है। जब जब इसमें प्रूनिंग करेंगे तो उसमें नई नई ब्रांच निकलनी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। ये देखिए मेरा ये पौधा जो लगा हुआ है, इसको 1.5 साल हो रहा है, और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर ली है, क्योंकि मैंने इसकी 2 बार प्रूनिंग कर दी है, जिसकी वजह से इसमें इतनी अच्छी ब्रांचेज आई हुई हैं। अगर आपके कनेर का पौधा अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो आप उसकी प्रूनिंग करते रहिए, और उसमें वर्मी कंपोस्ट, जब भी प्रूनिंग करते हैं तो वर्मी कंपोस्ट या जो भी खाद आप देते हैं पौधों में वो जरूर दें, जिससे कि आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और आगे आपको अच्छी फ्लावरिंग मिल जाएगी। तो इस समय आप कनेर की कटिंग जरूर लगाएं, कनेर का पौधा बहुत अच्छा होता है, इसमें कलर भी अलग अलग प्रकार के, बहुत प्रकार के आते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो आगे शेयर जरूर करें।